हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज लिटिल वर्ल्ड। सो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अमेजोन से ली हुई कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। मिक्स्ड बैग ऑफ गुडीज़ है, जहाँ पर कपड़े भी हैं, बैग भी है, कुछ स्किन केयर और हेयर केयर का सामान भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ली है एक स्वेट शर्ट जो कि है beesavageclothing.com से। लाइलैक कलर की ये स्वेट शर्ट है, ड्रॉप शोल्डर ये स्वेट शर्ट आ जाती है और हल्की सी वॉर्म साइड पर मुझे ये लगी, तो अभी फ़िलहाल तो मेरे ज़्यादा काम आने वाली नहीं है क्योंकि अभी गर्मियाँ ऑलरेडी आ चुकी हैं। कलर इसका बहुत प्यारा है, पहनने में मुझे उतनी ज़्यादा अभी कंफर्टेबल नहीं लगी है जब मैंने थोड़ी सी देर से ट्राई करके देखा था। मे बी इसकी लेंथ मुझे उतनी ज़्यादा नहीं मिली, आई डोंट नो, लेकिन जो मैंने पहले वाली आपको एक मस्टर्ड कलर में दिखाई थी वो बहुत अच्छी थी, पहनने भी बहुत अच्छी लगती है और बहुत लूज़ है वो। दिस इज़ ऑल्सो गुड बट फर्स्ट टाइम में मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही है। मे बी कलर मेरा उतना पसंदीदा नहीं है, लेकिन आगे जाकर शायद अच्छा लग जाए, हु नोज़। नेक्स्ट मैंने ली है ये ऑल प्लस साइज स्टोर से जीन्स, बहुत अच्छी डेनिम्स हैं ये। इसके पहले भी मैंने आपको एक दिखाई थी, उसी से इम्प्रेस होकर मैंने ये दूसरी भी ली है। दैट वॉज लाइट ब्लू इन कलर। जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम पहना तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ये तंग है, लेकिन बॉडी के साथ साथ जब मैंने उसे पहनना शुरू किया तो वो बहुत अच्छे से आने लगा, उसका फिट बहुत अच्छा मुझे लगता है, बहुत कंफर्टेबल है। स्टिल टू बी ऑन द सेफर साइड, मैंने ये इस बार 2 साइज मंगवाया है। इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है, ये पहनने पर भी बहुत अच्छी लग रही थी और जब मैंने 1 साइज बड़ा लिया है तो ये कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा है। ये डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए, भले प्लस साइज में नहीं भी हो बट आई हाईली रिकमेंड दिस, इसे ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद मैंने एक लिया है स्लिंग बैग फ्रॉम लावी। लावी के तो आप मेरे पास बहुत सारे बैग्स देख चुके हो ऑलरेडी, सो दिस इज़ अनादर वन। और इस तरह के टैन कलर में ये आ जाता है, लाइट ब्राउन कलर है इसका और ये जो इसका मटेरियल है वो भी बहुत अच्छा है। स्लिंग बैग है तो इसका साइज़ इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है। मुझे इसी तरह से कुछ चाहिए था कि आसपास कहीं जाने में फ़ोन आ जाए, सैनिटाइज़र आ जाए और बस निकल पड़ो, और स्कार्फ की अगर ज़रूरत हो तो वो भी आ जाए। पॉकेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पीछे एक ज़िप मिल जाएगी, उसके बाद एक ज़िप आपको यहाँ मिड में मिलेगी। अंदर आपको इस तरह से 2 कंपार्टमेंट्स मिल जाएंगे जो कि सेपरेटेड है इस ज़िप पाउच से। तो एक और ज़िप आपको यहाँ पर मिल जाएगी, उसके बाद एक और ज़िप यहाँ पर मिल जाएगी और यहाँ पर 2 ऐसे फ्लैप्स मिल जाएंगे जहाँ पर मैं मोस्टली अपना फ़ोन और सैनिटाइज़र रखती हूँ। तो मम्मी ना ऐसे ही बैग से ज़्यादा खुश हो जाती हैं क्योंकि मम्मियों को चाहिए बहुत सारी पॉकेट हो। तो बहुत अच्छा बैग है, कहीं पर भी आसानी से ले जा सकते हो। एंड देन इट कम्स विद अ ब्रांड नेम, तो जब ब्रांड नेम के साथ आ जाती हैं चीज़ें तो आपका विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब बात करेंगे कुछ स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स की। तो स्किन केयर में अक्सर मेरे साथ क्या होता है, जब मैं जैसे अभी जो मैंने काजल लगाया हुआ है इसके बारे में हम जल्दी देखने वाले हो इसका रिव्यू, तो इस तरह के जो काजल्स होते हैं ये रिमूव होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने इस बार लिया है ये मेकअप रिमूविंग वाइप्स, हाँ वो ये मेकअप रिमूवर वाइप्स फेसेस कैनेडा की। फेसेस कैनेडा की मैं अभी काफ़ी चीज़ें यूज़ कर चुकी हूँ, तो ऐसा होता है ना कि जब आप किसी एक ब्रांड का कुछ यूज़ कर लेते हो और आपको अच्छा लगता है तो यू बिल्ड अ ट्रस्ट फैक्टर विद देम। तो सेम ऐसे ही हुआ, तो मैंने ये लिया है और इसे यूज़ करेंगे, फिर देखेंगे कि इसकी वर्किंग कैसी है, मेकअप निकालता भी है या नहीं, क्योंकि आंखों पर वो ऑयल डाल के मुझे काजल निकालना, मस्कारा निकालना बहुत सिरदर्दी लगती है। सो नेक्स्ट मैंने लिया है डव बॉडी लव का सुपर बाउंस बॉडी बटर। ऑल्दो सर्दियां भी जा चुकी है लेकिन पानी का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इस वक्त जो पानी मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ हार्ड वाटर, और हार्ड वाटर में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, तो मैंने सोचा कि वैसे भी ड्राई स्किन है ही तो इसे ले लेते हैं, ट्राई करते हैं। फर्स्ट टाइम मैं डव का बॉडी बटर ट्राई करने वाली हूँ, सो लेट्स सी कैसा होता है, आपको ज़रूर बताऊँगी। उसके बाद मैंने लिया है ये प्लम का एवोकाडो कंडीशनर। अगर आपने मेरे पिछले हॉल्स देखे हो तो उसमें मैंने लिया था प्लम का शैम्पू। अब मैंने सोचा शैम्पू ले लिया है तो कंडीशनर भी ले लो, क्योंकि जब वैसे ही हार्ड वाटर यूज़ कर रहे हो, जब 2 अलग अलग ब्रांड्स के साथ जाते हैं तो फिर मतलब शैम्पू कंडीशनर और बाल भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार इसका रिजल्ट दें या इसका रिजल्ट दें। तो आई विल रिकमेंड यू कि अगर आपके पास ड्राई फ्रिजी कर्ली वेवी हैं तब आप मतलब सेम कंपनी के ही वेरिएंट्स चूज़ करो, जैसे ये एवोकाडो है तो वो भी एवोकाडो ही यूज़ करो, सेम कंपनी का यूज़ करो फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। ऑब्वियसली जब मैं इन्हें यूज़ करूँगी तो आपको रिव्यू तो ज़रूर दूंगी। नेक्स्ट मैंने लिया है ये वेदिका का 100%
प्योर कोकोनट ऑयल, ये है कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल। इससे आप कुकिंग भी कर सकते हो और इसे आप स्किन केयर और हेयर केयर में भी यूज़ कर सकते हो। इस एक बॉटल को मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है। अगेन, जब आपको पता होता है कि ये चीज़ अच्छी है तो आप दोबारा से ख़रीदते हो, तो ये मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, तो ये मेरी नेक्स्ट परचेज है। आई थिंक ये मेरी थर्ड बॉटल है, आई एम नॉट श्योर, सेकेंड या थर्ड बॉटल है ये। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिया ये निविया का पर्ल ब्यूटी रोल ऑन, डीओ रोल ऑन। अब एक मैंने लिया था प्लम का पिट क्रीम, उसके बारे में रिव्यू अगर आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद मैंने ये लिया है निविया का, जो मैं सालों से यूज़ करती आ रही हूँ, तो मैंने सोचा ठीक है बैक टू बेसिक्स। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको इस हॉल में दिखाना चाहती थी। इन सभी के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कुछ भी आप लेना चाहते हो तो आप वहां से ले सकते हो। मेरे हॉल वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरा एक कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन ये कि मैं कुछ आजियो से कुर्ताज लेने का सोच रही थी, बहुत अफोर्डेबल, तो आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करना, क्योंकि मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रही थी कि मैं खरीदूँ या ना खरीदूँ। तो मैं ले लूँ और फिर आप लोग ना देखना चाहें तो वो भी मेरे लिए थोड़ा सा यूज़लेस हो जाएगा। देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।